हे गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग द प्रैक्टिकल बॉय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्यों आप जो है ड्रीम इलेवन में कभी जीत नहीं पाते, क्यों आप जो है बड़ा अमाउंट ड्रीम इलेवन में नहीं जीत पाते। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि क्या बड़ी गलती कर बैठते हो आप जब भी आप ड्रीम इलेवन में अपनी टीम बनाते हो। दोस्तों, तीन बड़ी गलती कर देते हो आप जब भी आप अपनी ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हो, एंड इन्हीं तीन बड़ी गलती की वजह से आप जो है ड्रीम इलेवन में कोई भी अच्छी पोजीशन नहीं ले पाते, कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं जीत पाते। दोस्तों, क्या ये तीन बड़ी गलती जो आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है एंड आप अपनी पोजीशन नहीं बना पाते, कोई भी अच्छी पोजीशन नहीं बना पाते ड्रीम इलेवन की टीम में? तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि क्या आप तीन बड़ी गलती कर बैठते हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भाई आप को ड्रीम इलेवन में सब कुछ आता है एंड आप ड्रीम इलेवन में अच्छा अमाउंट जीत सकते हैं या जीतते हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, वीडियो को छोड़ सकते हैं, एंड फिर भी आप दोस्तों इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यार एंड तक देखना, ताकि वीडियो जो है कम्प्लीट समझ में आ सके कि भाई क्या तीन बड़ी आप गलती करते हो अपनी ड्रीम इलेवन में टीम बनाते वक्त। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो आपको जो है आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आप जो है तीन बड़ी मिस्टेक करते हो जब भी आप अपनी टीम बनाते हो ड्रीम इलेवन पर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्रीम इलेवन का ऐप जो है मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। एंड अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप क्या बड़ी गलती करते हो जब भी आप ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आज का मैच है वो हैदराबाद एंड कोलकाता के बीच में होने वाला है। ठीक है ना, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, जो ये मेगा कॉन्टेस्ट है 15 करोड़ रुपये का। ठीक है ना, यहाँ पे जीतने वाले को, मतलब कि नंबर वन पोजिशन पर आने वाले को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। मतलब कि दोस्तों, अगर आप नंबर वन की पोजीशन पे आते हो इस मेगा कॉन्टेस्ट में, तो आप जो है 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो आपकी जो सबसे बड़ी गलती है ना भाई, वो यही है, आप लोग जो है ना 1 करोड़ रुपीज़ देख लेते हो। भाई आप देखते हो कि भाई 49 रुपये में मैं इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाऊंगा, एंड अगर मैं गलती से भी नंबर वन आ गया तो भाई 1 करोड़ जो है मैं जीत जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप 15 करोड़ रुपीज़ तो देख लेते हो, 1 करोड़ रुपीज़ तो देख लेते हो, लेकिन आप जो है इसके नीचे जो है ना, 49 के नीचे आप ये देखिए 40,70,777, ये जो टीमें हैं, मतलब कि 40 लाख से ज़्यादा जो टीमें हैं इसमें ज्वाइन है। मतलब कि दोस्तों, अगर आपको नंबर वन आना है ना, तो भाई आपको 40 लाख से ज़्यादा लोगों को हराना होगा, तब जाके आप जो है नंबर वन पे आओगे। मतलब कि यहाँ पे 40,70,000 टीमें, आपको इन सबको हराना होगा एंड इनसे आगे आना होगा, तब आप जाके 1 करोड़ रुपये जीत सकते हो। तो दोस्तों, 40 लाख लोगों को हराना कोई आम बात तो नहीं है ना, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना, हैं भाई, इतनी आसानी से 40 लाख लोगों को तो हरा नहीं सकते ना आप, हैं तो भाई कैसे जीत सकते हो आप 1 करोड़ रुपये? तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि भाई आप लोग जो है हमेशा 1 करोड़ रुपीज़ के पीछे भागते हो। भाई 1 करोड़ रुपये हटा दो अपने दिमाग पे से, एंड जो है दोस्तों छोटे लीग को खेलो, स्मॉल लीग को खेलो, हेड टू हेड मैच खेलो, उसमें जो है आपके जीतने के चांस जो है बढ़ जाएंगे। स्मॉल लीग खेलोगे दोस्तों तो उसमें क्या है, आप जीत सकते हो। ठीक है ना, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो दोस्तों, बहुत से इसमें स्मॉल लीग है, आप वो खेल लो, उसमें आप जीत सकते हो। ठीक है ना, एंड एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पाँच दिन, हफ्ते हफ्ते भर आप जीत सकते हो उसमें। स्मॉल लीग खेलोगे दोस्तों तो आप जीतोगे ही जीतोगे, ये बात तो फिक्स है कि आप जीत जाओगे, क्योंकि भाई स्मॉल लीग है। 1 करोड़ रुपए भूल जाओ, अपने दिमाग पे से हटा दो 1 करोड़ रुपए, उसमें से टीम देखे करो भाई कि भाई 40,70,000 टीमें हैं भाई, इसको हराना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी सबसे बड़ी गलती एंड पहली गलती। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी गलती की तरफ, जो दूसरी गलती आप क्या करते हो। ठीक है दोस्तों, जो आपकी दूसरी गलती होती है ना, वो क्या होती है कि आप लोगों को ना नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब कि भाई क्रिकेट की नॉलेज नहीं होती, टीम बनाने की नॉलेज नहीं होती, लेकिन आप जो है फिर भी टीम बनाने लग जाते हो। तुक्के में कोई सा प्लेयर ले लिया, जो ले लिया, चल जाए, ना चले ना चले। ठीक है ना, आपको ये नहीं पता कि भाई बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है। ठीक है ना, आपको बैट्समैन लेने हैं या बॉलर्स लेने हैं, कौन से बैट्समैन लेने, ये आपको नहीं पता। ठीक है ना, हमें भाई क्योंकि नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों की। ठीक है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हमें एनालिसिस करना नहीं आता,
हमें एनालिसिस करना नहीं आता, ठीक है, इस बात को मान लो आप। अगर आप जो है एक्सपर्ट बंदे हो तो चलो भाई ठीक है, लेकिन जो बंदे एक्सपर्ट नहीं है, जिनको पिच को समझना नहीं आता भाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ काम है ये। तो सबसे पहले जो है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई कि आप जो है कैसे जीत सकते हो उसमें। तो दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो यही है आपकी कि भाई आपको टीम की नॉलेज होती नहीं है, ठीक है, प्लेयरों की नॉलेज होती नहीं है, पिच की नॉलेज होती नहीं है, फिर भी जो है आप टीम बनाने लग जाते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि आज भाई बैट्समैन के लिए पिच है या बॉलर्स के लिए पिच है, आज जो पिच है वो किसको मदद ज़्यादा देगी, किसको फ़ायदा ज़्यादा देगी, बॉलर्स को ज़्यादा फ़ायदा देगी या बैट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा देगी, आज की जो बाउंड्रीज है वो छोटी बाउंड्रीज है या बड़ी बाउंड्रीज है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है भाई, तब जाके आप जो है जीत पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि टीम कैसे बनाए, एंड भाई आज की जो पिच है वो बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, कैसे पता करें, ये ऐप है फैन कोड, ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ऐप है ये फैन कोड है, ये ड्रीम इलेवन का ही ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में दोस्तों आप जो है पता कर सकते हैं कि भाई आज की जो पिच है, आज के मैच की जो पिच है वो बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है, क्योंकि ये सब कुछ बताता है ये। इसमें जो है एक्सपर्ट बंदे होते हैं, वो समझाते हैं आपको कि भाई उन्होंने बकायदा अपनी टीम बना के इसमें आपको दिखाया हुआ होता है कि भाई आज जो प्लेयर है वो ये चल सकते हैं, ठीक है ना, ये बॉलर्स जो है विकेट ले सकते हैं, ये बैट्समैन जो है अच्छे स्कोर बना सकते हैं, एंड कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसे बनाना चाहिए वो भी इस ऐप में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि भाई फैन कोड ऐप कैसे काम करता है, तो भाई मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन से देख सकते हैं, आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाइए देख सकते हैं, ठीक है, कि फैन कोड ऐप कैसे काम करता है, कैसे आप जो है इससे कुछ सजेशन ले सकते हैं, इस ऐप से कैसे ये ऐप आपकी मदद कर सकता है आपकी टीम बनाने में। तो दोस्तों जो आपकी तीसरी गलती है, इसको गलती तो नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये एक एडवाइस है, ये आपको एक सलाह है, एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है आपको, जो अगर बड़ा मैच जीतना है, आपको जो है बड़ा अमाउंट जीतना है, तो दोस्तों ये ट्रिक आपके साथ काम कर सकती है, मतलब कि इस ट्रिक की मदद से आप जो है एक बड़ा अमाउंट जीत सकते हो। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक को आजमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है रिस्क लेना पड़ेगा, कोई दोस्तों बड़ा रिस्क नहीं है, मतलब कि बस आपको जो है एक चांस लेना पड़ेगा कि भाई या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं बिल्कुल हार जाऊंगा, ऐसा है ये। तो दोस्तों अगर आप ये रिस्क ले सकते हो तो शायद आप जो है एक बड़ा अमाउंट जीत जाओ। तो दोस्तों क्या है मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों जैसे आपको मान लो मेगा कॉन्टेस्ट खेलना है, 15 करोड़ रुपीज़ का विनिंग अमाउंट है, मतलब कि टोटल विनिंग अमाउंट जो है 15 करोड़ रुपये का है, फर्स्ट नंबर पे आने वाले को 1 करोड़ रुपए मिलने होते हैं, ठीक है, अगर आपको ये खेलना है। वैसे तो मैं भाई इसको मना करता हूँ कि ये बड़ा कॉन्टेस्ट मत खेलो, ठीक है ना, आप जो है स्मॉल लीग खेलो, लेकिन फिर भी आप खेलते हो, एंड मैं जो दोस्तों आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी टीम बना लेनी है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिएट टीम पर क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है बैरिस्टो है दिनेश कार्तिक है, आपको मान लो कुछ भी ले लेना है, ठीक है, ये माने दिनेश कार्तिक को ले लिया, या डेविड वॉर्नर, केन विलियमसन, ठीक है दोस्तों, इयान मॉर्गन है, गिल, ऑलराउंडर में रसल है, ठीक है, एंड विजय शंकर को ले लेते हैं, बॉलर्स में आ जाते हैं राशिद, पैट कमिंस एंड नटराजन, ठीक है, ये जो है बॉलर्स ले लिए मैंने, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने बॉलर्स ले लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने टीम बना ली है, दोस्तों मैं सिर्फ ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है एक बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं अगर आप रिस्क लें तो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों रिस्क लेने वाली चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने में क्या मिलेगा कि दिनेश कार्तिक है, इसको 1.5% लोगों ने जो है कैप्टन बनाया हुआ है, एंड 2% लोगों ने इसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, ऐसे ही गिल को 8% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है, एंड 17% लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। अब आपको दोस्तों देखना क्या है ना, सबसे कम लोगों ने जिस बंदे को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाया है ना, आपको उसी बंदे को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है, एंड कैप्टन एंड वाइस कैप्टन तो बनाना ही है, प्लस आपको दोस्तों प्लेयर भी वही वाले लेने हैं जिसको सबसे कम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो विजय शंकर है, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो विजय शंकर है, इसको 0.2% लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है, तो आपको दोस्तों क्या है कि कैप्टन इसको बना लेना है, ठीक है। वाइस कैप्टन तो आप दोस्तों चलो कोई अच्छा सा भी बना सकते हो, लेकिन कैप्टन जो है आपको थोड़ा उस बंदे को बनाना है जिस पर सबसे कम पैसा लगा हुआ है, जिसको सबसे कम लोगों ने जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। तो आप दोस्तों यहाँ पे चलो मैं वाइस
तो चलिए दोस्तों, अब मैं वाइस कैप्टन जो है यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को बना देता हूँ, ठीक है। 3.5% लोगों ने इसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात क्या आ गई, समझने वाली बात क्या है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैप्टन किसको बनाया हुआ है, गिल को जो है सबसे ज़्यादा कैप्टन बनाया हुआ है, केन विलियमसन को भी बनाया हुआ है, अच्छा है, ठीक है, एंड इयन मॉर्गन को भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप ये देखिए कि जिन जिन लोगों ने गिल को कैप्टन बनाया है, 8% लोगों ने इसको कैप्टन बनाया हुआ है, अभी और भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सोचिए दोस्तों, अगर ये बंदा कम स्कोर पे आउट हो गया तो समझने वाली बात क्या है, आपने इसको कैप्टन नहीं बनाया है। अगर ये बंदा कम स्कोर पे आउट हो गया तो भाई आप उन लोगों से सीधा आगे निकल जाओगे, मतलब कि जिन जिन लोगों ने इसको कैप्टन बनाया है ना, वो सारे बंदे जो हैं आपसे पीछे हो जाएंगे एंड आप उनसे आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है, उतने बंदों को आप जो है एक ही बार में जो है पीछे छोड़ दोगे। इतने लोगों को मान लो कि भाई 1000 में से भाई 500 लोगों ने इसको कैप्टन बना दिया, तो 500 लोग आपसे पीछे, आप उनसे आगे। तो ये एक तरीका है दोस्तों आपको उन लोगों से आगे निकलने का, आपको जो है मैच में आगे बढ़ने का, आपकी पोजिशन को अच्छी लाने का, ये जो है ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है ना। आपको उन प्लेयरों को लेना है जिसको सबसे कम लोगों ने पिक किया है, ठीक है ना। मान लो कि किसी प्लेयर को 80% लोगों ने लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ एंड विकेट कीपर में आ जाओ। यहाँ पे आप देखिए बैरिस्टो को जो है 80% लोगों ने लिया हुआ है, 87% लोगों ने इसको लिया हुआ है। आप इसको छोड़ दो, अब आप ये देखो कि जिन जिन लोगों ने बैरिस्टो को लिया है एंड आपने इसको नहीं लिया, अगर भाई ये जीरो पे या कम स्कोर पे आउट हो जाता है तो आप उन लोगों से सीधा आगे निकल जाओगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, इसको समझने वाली चीज़ है ये, ठीक है, समझने वाली चीज़ है भाई, बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है ये चीज़ आपको, ये ट्रिक जो है बहुत बड़ा आपको फ़ायदा दे सकती है। एंड आप उन लोगों को ही कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाओ जो बंदे कम सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है, ये ट्रिक जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है दोस्तों। इसको आप अपना के देख सकते हैं, इसको आप दोस्तों आजमा के देख सकते हैं, ठीक है ना, शायद ये काम कर जाए कोई। दोस्तों मैं ये 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ भाई कि आप जीत ही जाओगे, ठीक है ना, ये सिर्फ एक ट्रिक है। एंड भाई मैं ये कहूँगा कि आपको अगर आजमाना है तो आजमाओ, नहीं आजमाना तो आप छोड़ सकते हो, जैसे आप खेलते हो खेल सकते हो, ठीक है ना। ये एक ट्रिक जो है मैंने बताई है आपको, शायद आपको अच्छी भी लगे, शायद आपको गलत भी लगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की जो ये 3 पॉइंटें थी दोस्तों, जो कुछ गलतियाँ थी आपकी, जो आप ड्रीम इलेवन में अपनी टीम बनाते वक्त कर बैठते हो, ये कुछ गलतियाँ थी आपकी। तो दोस्तों इस गलती को सुधारो एंड थोड़ा प्रिडिक्शन जो है अच्छे तरीके से करो, एक्सपर्ट बनो, एनालिसिस करो। एंड एनालिसिस एंड एक्सपर्ट के लिए मैंने आपको एक ऐप भी बता दिया है, फैन कोड, आपको आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि फ़ैन कोड कैसे काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आई है पसंद तो यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना तो भाई प्लीज़ यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल एंड टेक्नोलॉजी वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।